हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए LSPDFR के एपिसोड में। इस सीरीज़ का मैं नाम अब रखूँगा लेट्स पेट्रोल। लेट्स पेट्रोल हिंदी में आपका स्वागत है इस एपिसोड में। आज हम पहली बार आए हैं मिशन रो के पुलिस डिपार्टमेंट में। मुझे पता नहीं था ये पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में। पिछला एपिसोड जो मैंने हेलीकॉप्टर का किया था उसमें मुझे पता चला था इसके बारे में कि ये भी एक पुलिस डिपार्टमेंट है। तो आज हम पहली बार यहाँ से पेट्रोलिंग करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ ये पेट्रोलिंग अच्छी जाएगी। और मेरे पास और एक सरप्राइज़ है आपके लिए, क्योंकि ये एपिसोड का नाम है लेट्स पेट्रोल मुंबई। ये लेट्स पेट्रोल मुंबई नाम क्यों रखा है इसके बारे में आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। देखिए, बाहर स्नोइंग हो रही है, स्नोई वेदर रखा है। स्नो क्योंकि दिसंबर का मंथ है इसलिए स्नो ऑन रखा है मैंने। और लेट्स पेट्रोल मुंबई का राज मैं बताता हूँ आपको क्या है एक मिनट में। अभी ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है और लेट्स पेट्रोल मुंबई इसलिए है क्योंकि ये देखिए मुंबई पुलिस की व्हीकल, मुंबई पुलिस की गाड़ी। ये देखिए कितनी अच्छी गाड़ी है मुंबई पुलिस की। मैंने एक मिनट रेडियोज ऑफ नहीं रखा है वरना कॉल आ जाएगा। आपको मैं दिखाता हूँ ये मुंबई पुलिस की गाड़ी है। देखिए पेट्रोलिंग के लिए मुंबई पुलिस की नई गाड़ी बनाई है हमने। आपको मैं चारों तरफ से दिखा देता हूँ मुंबई पुलिस की गाड़ी। तो अब से इस एपिसोड का नाम होगा लेट्स पेट्रोल मुंबई, मुंबई पुलिस की गाड़ी। देखिए और गाड़ियाँ भी है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये गाड़ी पसंद आएगी और ये मुंबई का एपिसोड पसंद आएगा। हम पेट्रोलिंग करेंगे, दिसंबर का महीना है और बर्फ़ गिर रही है, माहौल अच्छा है। चलिए पेट्रोलिंग स्टार्ट करते हैं। और ये एपिसोड मैं शायद क्रिसमस के दिन अपलोड करूँगा, तो आप सबको मैरी क्रिसमस और आपका क्रिसमस अच्छा जाए ये उम्मीद करता हूँ। देखिए गाड़ी कितनी अच्छी लग रही है मुंबई पुलिस की। एक काम करता हूँ, मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ओ ओ ओ एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ मैं। इसको पहले फिक्स कर लेते हैं गाड़ी को। फिक्स व्हीकल, क्लीन व्हीकल, कॉल्स तो आई नहीं अभी तक। तो हम इसको मुंबई पुलिस की गाड़ी को हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए, और मैं उम्मीद करता हूँ मैंने एक जाम्बी का वीडियो बनाया था वो भी आपको पसंद आ रहा होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया था, फिर से खेलने का मेरा मूड हो रहा था उसे। और उसी प्रकार के स्पेशल एपिसोड्स मैं और बनाऊँगा, आइडियाज़ हैं मेरे पास कुछ कुछ। जैसे ही मार्ड काम करने लगेंगे तो मैं बनाऊंगा उसे फिर से। और आज का हम LSPDFR का पेट्रोलिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स पेट्रोल मुंबई ये एपिसोड का नाम रहेगा आपसे, लेट्स पेट्रोल मुंबई हिंदी में। GTA 5 लेट्स पेट्रोल मुंबई। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये मुंबई पुलिस की गाड़ी, एकदम बढ़िया है। आगे लोगो भी लगाया है। तो ये जो टेक्सचर्स बनाए हैं वो मेरे भाई ने बनाए हैं, मैं उससे बिग थैंक यू कहना चाहूँगा, उसकी मेहनत के वजह से हुए। और ये मॉड, एक मिनट, किडनैपिंग इन प्रोग्रेस, गनशॉट रिपोर्टेड है, सॉरी किडनैपिंग इन प्रोग्रेस है। तो देखिए जाते हैं हम सायरन ऑन करके और क्या होता है देखते हैं। कौन सी वो, देखिए ये गन्स, बंदूक लेके बीच रस्ते। मेरा निशाना बहुत खराब रहता है। अपना हथियार नीचे डाल दो, अपने हथियार नीचे डाल दो। ये बचने वाला नहीं है, ये बचने वाला नहीं है क्योंकि पुलिस इसे मारने वाली है, पुलिस इसे छोड़ेगी नहीं। क्या है, मर गया? ओह ये मर गया। और ये जिसको किडनैपिंग हो रही थी वो जा रहे हैं। देखिए पुलिस ने मार दिया ऐसे बंदूक देखते ही। काम करते हैं, गाड़ी साइड में लगाते हैं, सायरन ऑफ करते हैं। ELS भी चल रहा है अच्छे से। अब क्या करें इसका, तो EMS बुलाते हैं हम। EMS बुलाना पड़ेगा पहले। एक खतरनाक शुरुआत हुई है एकदम खूंखार इस दिन की। अब ये पुलिस यहाँ क्यों आए, कोई काम नहीं है भाई यहाँ। एक एम्बुलेंस भेजी है यार। अच्छा हुआ मैंने गाड़ी लगा के रोक दिया।
रोड को ईएमएस आता ही होगा, ईएमएस आने को बहुत टाइम लगाता है पता नहीं क्यों। पुलिस ऑफिसर क्यों खड़े हैं यहाँ पता नहीं, मैंने तो बैकअप नहीं बुलाया। देखिए क्या हो रहा है, ये मिशन रो के यहाँ का हमारा पहला एपिसोड है, मैंने आज तक यहाँ पेट्रोलिंग नहीं की है और शायद ये 50वां एपिसोड भी है, तो हम 50 एपिसोड पूरे कर चुके हैं, इसलिए कंग्रेचुलेशन, आप देख रहे हैं इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, थैंक यू कहना चाहूँगा मैं फिर से। और यहाँ मिशन रो का जो पुलिस स्टेशन है नज़दीक है, इसलिए काफ़ी पुलिस घूम रही है यहाँ। क्या हो रहा है यहाँ, यहाँ आइए जल्दी बचाने की कोशिश करिए, इन्हें कोशिश करिए प्लीज, बच सकता है क्या पता नहीं, मुझे नहीं लगता है नहीं बचेगा शायद। देखते हैं क्या होता है। ओह ही डिडंट मेक इट, ऐसा बोलेगा दे डिडंट मेक इट, लगा ही था मुझे, क्योंकि एक बार जब गोली लग गई है ज़्यादा तब तो मुश्किल हो जाता है फिर बचाना। अब हम कोरोनर को बुलाएंगे, एक कोरोनर, कोरोनर की ज़रूरत है यहाँ पे एक प्लीज। पिस्टल वन टू द नेक, गर्दन में लग के इनकी मौत हुई है, तो हम बुलाएंगे एक कोरोनर को अभी। और ये मुंबई पुलिस की गाड़ी एकदम बढ़िया लग रही है, देखिए ऐसी होती है मुंबई पुलिस की गाड़ी, जो मुंबई में होंगे वो जानते होंगे। जल्दी आइए, और ये मार्ट प्राइवेट है, मैं पहले ही कहना चाहता हूँ हम पब्लिकली रिलीज नहीं करेंगे इसे, तो इसलिए ये प्राइवेट यूज़ के लिए बनाया है। बाकी हम क्या एडिट कर सकते हैं वो देखेंगे, यूनिफॉर्म तो एडिट नहीं हो सकती, यूनिफॉर्म यही रहेगा। कॉर्नर कहाँ है, कॉर्नर कॉर्नर आ गए यहाँ पे, तो चले कॉर्नर आ गए। स्टोलन पुलिस व्हीकल, स्टोलन पुलिस व्हीकल के पीछे जाते हम। कोर्ट टू में जाते हैं, चलो ये देखिए ये गाड़ी यहाँ से आ रही है, यहाँ काफ़ी पुलिस है क्योंकि यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट नज़दीक ही है मिशन रो का। और देखते हैं हम कहाँ पे है पुलिस व्हीकल, ये है स्टोलन पुलिस व्हीकल, इसको हम रोक सकते क्या यहाँ, ये देखिए चेस शुरू हो गई। बैकअप बुलाते हम, अब इसको हमें पकड़ना होगा, ये चुरा के भाग रहा है पुलिस की गाड़ी, ये पुलिस की गाड़ी चुरा के करते क्या है ये लोग पता नहीं। और बैकअप देखिए कितने गलत जगह गया, रुक रहा है क्या, रुक जा रुक जा, क्या हम इसे रोक सकते हैं यहाँ, सोने में रोकने में कामयाब हो गए हैं। और अब हम गन निकालते हैं, बाहर निकलो अपनी गाड़ी से, बाहर निकलो अपनी गाड़ी से, बाहर निकलो अपने गाड़ी से, बाहर निकलो, ज़मीन पे लेट जाओ, ज़मीन पे लेट जाओ वरना तुम्हें टेस्ट किया जाएगा, ज़मीन पे लेट जाओ। पकड़ने में हम कामयाब हो गए, पुलिस की गाड़ी लेके भाग रहा था, यहाँ चिल्लाने की आवाज़ क्या आ रही है। तो ये मार्क गिलमोर है, पुलिस की गाड़ियाँ आ गई थी, तो सीधे खड़े रहिए आपकी मैं तलाशी लूँगा अभी, क्या आपके पास कुछ इलीगल चीज़ है वो देखने के लिए। ये सायरन की आवाज़ ना, अ बॉटल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन इज समवन एल्सेस नेम, सेवरल राउंड्स ऑफ एमिनेशन, कुछ खास नहीं है, तो आपके लिए हम बैकअप बुलाते हैं, चुराने के आरोप में आपको पकड़ा जाता है पुलिस की गाड़ी। और ये गाड़ी के लिए टो ट्रक बुलाते हैं, यस ये देखिए और एक मुंबई पुलिस की यूनिट आई, इन्हें ले जाइए प्लीज। हमने एक दो गाड़ी को ही स्किन किया है अभी तक, बाकी गाड़ियां बाकी है तो देखेंगे जैसे टाइम मिलेगा वैसे कर देंगे। टो ट्रक आ गया है लेके गए, इन्हें लेके जाइए, थैंक यू। और अब हम बैठते हैं गाड़ी में, सायरन ऑफ करते हैं,
और ये क्रिसमस का एपिसोड हम कंटिन्यू करते हैं पेट्रोलिंग के साथ। तो अब तक ये एपिसोड काफ़ी अच्छा जा रहा है, मुझे थर्ड पर्सन में मज़ा आता है, सेकंड पर्सन में इतना कुछ खास नहीं लगता है करने, और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के एपिसोड बनाने के मूड है। फिर भी मैं एक इंग्लिश का एपिसोड बनाऊंगा वेडनेसडे को, शायद अगर कोई इंग्लिश का देखता होगा तो उनके लिए। और हम पेट्रोलिंग जारी रखते हैं। तो आपने सब्सक्राइब किया है अभी तक, मैं आपको बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगा अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। जो जो सरप्राइज़ नहीं सब्सक्राइब किया है उनके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत हेल्पफुल रहता है, आप सपोर्ट करते हैं हमें तो, और ऐसी सपोर्ट दिखाते रहिएगा ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ और हम आगे बढ़ते रहेंगे। अभी तक चैनल इतना ज़ोर नहीं पकड़ा है, पर कभी ना कभी तो पकड़ेगा ही, ऐसा उम्मीद है। ज़्यादा लोग देखेंगे, अलग अलग टाइप के मैं वीडियोस बनाऊंगा GTA 5 के, ताकि आपको पसंद आए। जैसे जैसे स्क्रिप्ट्स अपडेट होंगे मैं बनाते जाऊंगा। नो रजिस्ट्रेशन नो इंश्योरेंस। इनके पास नो रजिस्ट्रेशन और नो इंश्योरेंस है। ये गाड़ियाँ देखिए कितनी बेहतरीन लग रही है। नो रजिस्ट्रेशन नो इंश्योरेंस। साइड में रुकेंगे आप? थैंक यू रुकने के लिए। एकदम आगे मत जाइए, वहाँ लोग हैं। चलिए इनसे लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? क्या आप लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन देंगे प्लीज़? थैंक यू, आप यहीं बैठे रहिए, मैं आता हूँ एक सेकेंड आपके डिटेल्स चेक करके। अब हम इनकी डिटेल्स चेक करते हैं। नो रजिस्ट्रेशन और नो इंश्योरेंस था शायद इनका, और ये तो क्लीन है, इनका कुछ नहीं है। और व्हीकल डेटाबेस चेक करते हैं हम। व्हीकल डेटाबेस, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन दोनों एक्सपायर्ड है इनका। इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन एक्सपायर्ड है तो हम इन्हें टिकट लिख के देंगे। सर, आपकी हमने डिटेल्स चेक की है और आपका इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन एक्सपायर आ रहा है, तो मैं आपको पेनल्टी दूंगा अभी। एक्सपायर्ड इंश्योरेंस और एक्सपायर्ड नो रजिस्ट्रेशन, यही दे देते हैं ये दो। आपका $900 का होएगा सर, 6 पॉइंट्स चढ़ेंगे आपके, और ये आपको मैं अभी लिख के देता हूँ। नेक्स्ट टाइम से आप प्लीज़ अच्छे से बनाइएगा, अपना चेक करिएगा इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन दोनों, गाड़ी के पेपर सब ठीक है तभी बाहर निकलेगा, ऐसी गलती फिर से ना करिएगा प्लीज़। मैं आपको एक टिकट लिख के देता हूँ, ये टिकट लीजिए आपका ऑफेंस, और आपका दिन शुभ रहे ऐसे में कामना करता हूँ। थैंक यू। और चलिए अब हम पेट्रोलिंग जारी रखते हैं। इस तरफ जाते हैं कि इस तरफ जाते हैं? ये मिशन रोड का एरिया पहली बार पेट्रोल कर रहा हूँ मैं ज़मीन से। ये देखिए भाग के क्यों जा रहा है? अच्छा, रोड क्रॉस कर रहा था, मुझे लगा भाग के जा रहे थे। गाड़ी को स्क्रैच आ गई है, इसलिए क्लीन व्हीकल फिक्स व्हीकल, थोड़ी खरोच आ गई थी। हमने गाड़ी के नंबर भी महाराष्ट्र पुलिस की तरह किए, MH का कोड डाल के, और गाड़ियां बनाएंगे हम, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो एक दो गाड़ियां ही बनाई है, ये हमारे प्राइवेट यूज़ के लिए ये मार्ट्स। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे मुंबई पुलिस का पेट्रोलिंग का एपिसोड। सिग्नल लगा हुआ है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है एकदम। अरे ये तो वही मिशन में जो आता है ये गाड़ी की दुकान शॉप, ये डीलरशिप वही है जो फर्स्ट मिशन में था, यहाँ पे सिमियान का मिशन जो था ये वही डीलरशिप है। आज कुछ ज़्यादा क्राइम नहीं हो रहा है, सब शांत है एकदम। पॉसिबल स्टोलन बाइक कोर्ट 3 में जाना है। ओके, पॉसिबल स्टोलन बाइक, देखते हैं क्या है।
मैंने ईएलएस भी डाला है, आप देख रहे होंगे कैसा है ईएलएस, ये लाइटिंग सिस्टम एकदम अच्छा है। तो ये स्टोलन बाइक का है, ये महाराज है स्टोलन बाइक, देखिए इसको हम रोकेंगे कैसे, इसको तो मैं गिरा के रोक सकता हूँ एक झटके में। कैसे रोकूं मैं, क्या मैं पुश कर दूं? बैकअप बुलाते हैं, बैकअप शायद रोकने में कामयाब हो जाए मुझे आगे से। बाइक चुरा के भागते हैं, देखिए ठोका थोड़ा सा। एक काम करता हूँ, मैं जोर से ठोक देता हूँ, और कोई चारा नहीं है रोकने का। वो कहीं मैं ये लोगों के बीच में दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाऊं। रुक जाओ, भागो मत, रुक जाओ, भागो मत, वरना टेस्ट करूंगा मैं। टेजर है ही नहीं मेरे पास। रुक जाओ, भागो मत, हाथ दिखाओ, अपने हाथ दिखाओ, अपने हाथ दिखाओ, जमीन पे लेट जाओ, जमीन पे लेट जाओ। अभी ना हम अरेस्ट करेंगे। चिल्लाना बंद करो माइकल डोमिनिक। सर आप बाइक चुरा के भाग रहे थे, आपको इसलिए मैं हिरासत में ले रहा हूँ। वो बाइक चोरी की थी, ये क्या है? नहीं 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 ये क्या, ये मुझे मारने की? ओ हाथ दिखाओ, अपने हाथ दिखाओ, अपने हाथ दिखाओ, अभी अपने हाथ दिखाओ, मुझे मारने पे मजबूर ना करिए, अपने हाथ दिखाओ, अपने हाथ दिखाओ, अपने हाथ दिखाओ, अपने हाथ दिखाओ। ये क्या कर रहे थे, मुझे यकीन नहीं हुआ। ये देखिए और एक को मैंने हिरासत में दिया, ये ओ मर गया मैं। क्या आफत थी, ये इलाका काफी खतरनाक था, मैंने आसपास देखना चाहिए था क्या हो रहा है, और मैं मर गया। वो केस पूरा भी नहीं कर पाया। वाह, मैं कुछ ज्यादा ही प्रेम से उनके साथ बिहेव कर रहा था। अब क्या, स्नो भी बंद हो गया हमारी, थोड़ा ही टाइम बचा है। स्नो और व्हीकल ऑप्शंस, व्हीकल स्पॉनिंग करते हैं हम। क्या मारने आ जाते हैं वो एरिया में, पता नहीं क्यों ये एरिया में मुझे आने को बहुत डर लगता है, क्योंकि किसी को अरेस्ट करो रोड पे और यहाँ सब शुरू हो जाते फिर मारने के लिए। क्या क्या हुआ, मुझे यकीन नहीं होता है, मुझ पे हमला किया और मेरी मौत हो गई। दो तीन जन को मैं अरेस्ट करने में कामयाब हुआ। इस एरिया से निकलते हैं और मिशन रो, कहाँ गया मिशन रो, ये एरिया में जाते। ये तो डेविस का इलाका है, मुझे यहाँ पेट्रोलिंग नहीं करनी। अजीब था वो एकदम, यहाँ पुलिस को देख के सबको गुस्सा आता है एकदम फटक से। पुलिस देखा नहीं कि गुस्सा शुरू और फिर हमला पुलिस पे शुरू। काश मैं आसपास देख पाता और कोई है क्या, पर उन्होंने फाइट मार, मैं मारना नहीं चाहता था। बात ये था, हम फिर से आ गए मिशन रो के एरिया में, हमारे मुंबई पुलिस की गाड़ी में। इसको मैं हटा सकता हूँ क्या अभी? जी हाँ हटा दिया। एक मिनट, हाँ मैंने विंडोज तोड़ दी अपने गाड़ी की गलती से। तो ये एपिसोड अच्छा जा रहा है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो देखिए मेरे, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो मैं थैंक यू कहूँगा। हमारा एम है 1000 सब्सक्राइबर्स का, पहुँच जाएंगे हम कभी ना कभी, तो वहाँ ऐसे ही काम करते रहे तो आराम से।
कॉल है, डेमोन्स्ट्रेशन। चलिए ये कॉल लेते हैं, कोड टू, डेमोन्स्ट्रेशन में जाना है। अगर ये डेमोन्स्ट्रेशन एकदम क्रेजी हो गई तो फिर वहाँ लाशें गिर जाएंगी। चलिए देखते हैं कैसा है डेमोन्स्ट्रेशन। शांति की भी रहती है और एकदम एकदम क्या बोलते हैं, डेडली भी होती है कभी कभी। अगर वो लोग एकदम उग्र हो जाएंगे तो डेडली भी होती है, पर ज़्यादातर टाइम मैं उम्मीद करता हूँ कि शांति से ही सब गुजर जाए। ये लोग डेमोन्स्ट्रेशन क्यों करते हैं, इसी इलाके में करते हैं लोग डेमोन्स्ट्रेशन? क्या इनकी मांगे क्या है? लोगों ने जो मांगे इनकी सरकार ने सुन लेनी चाहिए एक बार। बार बार आके इन लोग यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। ओ स्क्रैच स्क्रैच, मेरी नई गाड़ी को स्क्रैच स्क्रैच, पेंट ख़राब हो गया गाड़ी का। तो मैं अलग अलग वीडियोस बनाता हूँ, फुटबॉल के भी वीडियोस बनाए मैंने, देखना ना भूलिए मेरे चैनल पे। GTA 5 के वीडियोस तो है ही। डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ है भाई, यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, देखते हैं। ये ज़िद्दी लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। हमारे ऑफिसर कहाँ हैं? मैं उम्मीद करता हूँ ये शांति से चले जाएं यहाँ से, प्लीज़ हमें इनसे बात करनी है। व्हाट शुड वी डू, गोलियाँ क्यों ओ ये क्या हो गया, अटैक क्यों कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, अटैक नहीं करना है। ये लोग अटैक क्यों कर रहे हैं? अब ये उग्र हो गए हैं लोग। अपने हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ अपने। अब ये सुनने वाले नहीं, यहाँ सब शुरू हो गए। ये देखिए, कोई एक किसी की बात नहीं सुनने वाले हैं। अब सब मारने आने वाले हैं। ओ मैंने तो कमेंट भी नहीं दिया इन्हें हमला करने के लिए, पर फिर भी शुरू हो गए। हाथ दिखाओ, अपने हाथ दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, हाथ दिखाओ अपने हाथ। फिर से मरूंगा लगता है मैं, मारा मैं। वाह, ये डेमोन्स्ट्रेशन का कॉल पहली बार मुझे भारी पड़ा। गन्स लेके मारना चाहिए था मैंने शायद। डेमोन्स्ट्रेशन फेल हो गई, कोई बात नहीं। चलिए हॉस्पिटल के बाहर से हम एपिसोड एंड करते हैं, वहाँ तो डेमोन्स्ट्रेशन फेल हो गई है, यहाँ से हम करते हैं। दो बार हॉस्पिटल में है, शायद ये पहली बार होगा ऐसा कभी हुआ है। दो बार मैं मरा, अंदर नहीं जा सकते। तो चलिए ये एपिसोड यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये एपिसोड आज का। मुंबई पुलिस की कार पसंद आई होगी, अब हम मुंबई पुलिस की गाड़ी यूज़ करेंगे आगे से। और प्लीज़ मेरा वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। ज़्यादा देखेंगे तो हम ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे अच्छे से। तो बस इतना ही, बस थोड़ा अफसोस है, दो बार डेथ हो गई एपिसोड में, और मिशन रो का पहला एपिसोड था हमारा ये। नेक्स्ट टाइम के लिए, तब तक आप आराम करिए, मज़े करिए और मेरे वीडियोस देखिए। तब तक के लिए टेक केयर और गुड बाय।